बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बेल बॉटम ट्राउज़र की कटिंग। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी उनमें है ये सीज़र, ये हमारे ट्राउज़र का कपड़ा, ये हमारा चौक इंचेस टेप और ये एक सीधा स्केल है। और ये जो खास तौर पर ट्राउज़र की कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है ये वो स्केल है। ये आपको ईज़िली मार्केट में अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले हम अपने कपड़े को प्रेस करके इसको बिठा लेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग के निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने इस कपड़े को अच्छी तरह प्रेस करके बिछा लिया है। ये इसकी ओपन साइड के दोनों इतराफ हमने अपनी तरफ रखे हैं और ये कपड़े का सीधा हिस्सा है। हम ये ट्राउज़र की उल्टी साइड पर ये निशानात लगाएंगे ताकि जब आप इसको सीधा करें तैयार होने के बाद तो आपको निशानात से मसला ना हो। तो वैसे भी ये निशानात अगर उल्टी तरफ होंगे तो आपको स्टिचिंग में भी आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा हमने अच्छी तरह सीधा कर लिया है। अब हम सबसे पहले साइड पे इसकी गुलाई के सिंक से तकरीबन 12.5 इंच की इस तरह गुलाई लेंगे। इसमें हम ये कन्नी वाला हिस्सा थोड़ा बाहर छोड़ेंगे। ये देखिए, हमने इस निशान को इस तरह हमने ये निशान लगाना है। अब आप अपने ट्राउज़र की टोटल लेंथ पे निशान लगाएंगे। इसमें हम 1 इंच इस कपड़े से बाहर रखेंगे और अपने ट्राउज़र की टोटल लेंथ पर निशान लगाएं। हमारे साइज़ के मुताबिक हमारे पास टोटल लेंथ जो तैयार होगी वो 39 इंचेस है। तो हमने इस तरह 39 पे निशान लगाना है। अब हमने अपने स्केल की मदद से इस निशान को इस तरह सीधा कर लेना है। अब आप जितना आपने मार्जिन रखना है इसको फोल्ड करने के लिए उस पर आपने दोबारा निशान लगाना है। ये हमने इस तरह 2 इंच पर रखा है, तो इस तरह 2 इंच पर हम दोबारा एक निशान लगाएंगे, लाइन लगा लें। अब आपको ये देखना है कि आपने अपने बॉटम वाले हिस्से की टोटल जो विड्थ है वो कितनी रखनी है। तो हमने टोटल इसकी 12 इंच लेनी है। तो हम इसकी कन्नी को साइड से छोड़ते हुए इस तरह इधर से ये शुरू करेंगे। ये हमारी टोटल 12 इंच है, तो इधर हम इसका निशान लगाते हैं। इसी तरह हम निचले हिस्से पे भी निशान लगाएंगे, 1/2 इंच इधर से छोड़ते हुए इस तरह 12 इंच पे निशान लगाना है। अब आप इन दोनों का हाफ ले लें। इन दोनों का हाफ होगा 6 इंचेस, तो आपने इधर भी 6 इंचेस पे निशान लगाना है और इधर भी आपने 6 इंचेस पे निशान लगाना है। अब आप इधर से भी 6.5 इंच पे, क्योंकि हमने 1/2 इंच यहाँ छोड़ा था और ये 6 इंच है, तो इस हिसाब से इधर भी आपने 6.5 पे निशान लगाना है। इधर भी आपने 6.5 पे निशान लगाना है। ये आपको ऊपर तक निशान लगाना होगा। अब आप इन निशानों को मिला देंगे। ये देखिए, ये हमारा क्रीज का निशान है। ये हमारे बेल बॉटम की क्रीज का निशान होगा। अब हम पेंट ट्राउजर की कटिंग करते वक्त हमने
पहले निशाना ऊपर वाले हिस्से पर लगाए थे, लेकिन बेल बॉटम की कटिंग करते हुए हम निशाना पहले निचले हिस्से पर मुकम्मल करते हैं और बाद में ऊपर वाले निशान लगाते हैं। अब हम लेंगे आसन की लंबाई। हमारे आसन की लंबाई है वो होगी 12.5 इंच, 1 इंच हम ऊपर की तरफ छोड़ेंगे और इधर हम 12.5 पे निशान लगाएंगे। अपने स्केल पर इन पे लाइन लगाने के लिए हम दूसरी तरफ भी इसका निशान लगा लेते हैं ताकि हमारी लाइन सीधी रहे। इधर आप सीधी लाइन लगाएं। ये देखिए, ये हमने निशान लगा लिया है। अब आप ऊपर से तकरीबन 20 इंच के बाद घुटने का निशान लगाएंगे। ये हमारे घुटने का निशान होगा, ये देखिए। अब हमारे साइज के मुताबिक हमारे घुटने की टोटल विड्थ जो है वो तकरीबन 10 इंच है, तो हम 5 इंच इस तरफ और 5 इंच इस तरफ निशान लगाएंगे। हमने इसको निशान लगाना है। इस निशान पर भी हम एक लाइन लगाएंगे। अब हम ऊपर वाले इस लाइन पर थाई का निशान लगाएंगे। तो हमारे थाई का निशान था 14 इंच पर, तो ये देखिए हमने 14 इंच पर इस पर निशान लगाना है। अब आप इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे, तो उससे पहले आप यहाँ पर लाइन पर अपनी जिस टेप को रखते हुए 1/2 इंच ऊपर की तरफ और 1/2 इंच नीचे की तरफ इस तरह सीधी लाइन लगाएं, ठीक है। ये आपके इसको इधर भी निशान लगा दें और इधर भी निशान लगा दें। जब आप स्केल से इसको इससे मिलाएंगे तो आप इस हिस्से को मिला दीजिए और इस हिस्से को मिलाएं, ये सीधी लाइन बाद में आप इसकी गुलाई कर लेंगे। ये देखिए, हमने इस लाइन को इस लाइन से मिला लेना है, ठीक है। अब आप इसी तरह नीचे से निशान को इस वाले निशान से इस तरह मिलाएंगे। अब आप इस सेंटर वाले हिस्से को इस तरह गोलाई से आपस में मिला देंगे, इस तरह। इसी तरह आप इस वाले हिस्से पे निशान लगाएंगे। अपने स्केल को इस तरह टर्न कीजिए और इस हिस्से को अपने निशान से मिला दीजिए। इसका भी हमने इसी तरह रखना है। अब आप इस वाले हिस्से को भी इस हिस्से से मिला दीजिए। और इन दोनों को इधर से गोलाई की मदद से इस तरह मिलाएं ताकि ये दरमियान वाला हिस्सा अच्छी तरह गोलाई से बैठ जाए। ये आपके नीचे वाले हिस्से के निशानात मुकम्मल हुए। अब हम ऊपर की सिंक जाएंगे। अब हम इधर कमर का निशान लगाएंगे, तो हमारा कमर का निशान क्या है 17 इंच, उसके जिसका हाफ होगा 8.5, तो हम इधर 8.5 पर एक निशान लगाते हैं। उसके बाद आप 2.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। इसमें आपके प्लेट का निशान, आपका एक्स्ट्रा जितना भी मार्जिन होगा वो सब इसमें होगा। अब आप इस वाली लाइन पर 2.25 इंच पर अंदर की तरफ एक निशान लगाएं। ये देखिए, हमने 2.25 इंच पर अंदर की तरफ एक निशान लगाना है। अब आप स्केल की मदद से इस निशान को इस निशान से मिला दें। और अब आप गुलाई से इन दोनों को मिला देंगे। अब आप इसके नीचे तकरीबन 4 इंच पर एक और निशान लगाएं और इधर एक सीधी लाइन लगा लें।
ठीक है। और इस हिस्से को इस तरह प्रेस करके दूसरी तरफ भी आप इसका निशान लगाएंगे। ये दोनों निशान हमने पिछली तरफ भी लगा लिए हैं। ये फ्रेंड्स आपके फ्रंट वाले हिस्से के निशानात मुकम्मल हुए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो आइए चलते हैं इसकी कटिंग की तरफ। सबसे पहले आप नीचे वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। अब आप इस वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। इधर वाले हिस्से की कटिंग हम बाद में करेंगे। अब हम दूसरे वाले हिस्से के कपड़े को बिछाएंगे। ये देखिए हमने नीचे वाले कपड़े को बिछा लिया है। इसकी भी हमने ओपन वाली साइड अपनी तरफ रखी है और कपड़े का सीधा हिस्सा उस तरफ कर दिया है। आप तकरीबन 3 इंच का ऊपर से मार्जिन रखते हुए फ्रंट हिस्से को ऊपर बिछाएंगे और फिर इसके निशान लगाने शुरू करेंगे। सबसे पहले आपने अपने सीधे वाले स्केल से इस तरह इन पहली वाली लाइनों को थोड़ा बढ़ा देंगे। ये देखिए इस लाइन को भी और इस लाइन को भी हम इस तरह बढ़ा देंगे। इसी तरह हम इस लाइन को भी बढ़ा देंगे और इसी तरह इस लाइन को भी एक्सटेंड करें। ये आपकी सारी लाइनें हमने बढ़ा दी हैं। अब आप इंच स्टिक की मदद से 1.5 इंच पर इन पर निशान लगाएं। ये देखिए इस पर भी नीचे वाली लाइन पर भी हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। इस लाइन पर भी हम 1.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। इस लाइन पर भी 1.5 इंच पर निशान लगाएं और इधर भी आप 1.5 इंच पर निशान लगा दें। अब आप अपने स्केल की मदद से इन निशानात को इस तरह मिला दें। और इस निशान को नीचे वाले निशान से मिला दें। ये देखिए इसके बाद आप अपने सीधे वाले स्केल से इधर से सीधी लाइन ऊपर की तरफ लगाएं। ये देखिए ये लाइन हमने इस तरह सीधी लगानी है, ठीक है। और इधर से आप इसी तरह गोलाई लेते हुए इसको आगे वाले निशान से मिला देंगे, ठीक है। स्केल की मदद से आप इस लाइन को अपने फ्रंट वाले हिस्से के इधर कोने के साथ मिला लें। इस तरह निशान लगा लिया है, कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग भी हम नीचे से स्टार्ट करेंगे।
अपने बेल बॉटम के बॉटम वाले हिस्से की खुलाई जो है वो आप अपनी अर्ज के मुताबिक रखेंगे। आप फ्रंट वाले हिस्से की जब भी खुलाई रखें तो आप अपने टोटल अर्ज की मुताबिक इसकी कटिंग करेंगे और निशान लगाएंगे। अब हम ऊपर वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। जब आप इसके बैक वाले हिस्से की कटिंग करेंगे तो इधर से तकरीबन इन निशानात से बाहर आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग करें। तो इस तरह हम इसकी कटिंग करेंगे। अब आप चारों जो इसके हिस्से हैं इस साइड की कटिंग चारों की इकट्ठे करें। देखिए हमारे बेल बॉटम की कटिंग मुकम्मल हुई। फ्रेंड्स, आप जब इसके फ्रंट हिस्से का विड्थ में मार्जिन रखेंगे तो आप बैक हिस्से का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि वो 1.5 इंच और फिर आधा इंच के फासले पर लिया जाता है। तो अपने अर्ज के मुताबिक फिर इसकी विड्थ ली जाती है। तो हमने ये थोड़ा स्मार्ट रखा है, तो आप इसकी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना ख्याल ज़रूर रखिए कि अपने अर्ज के मुताबिक इसकी चौड़ाई को बढ़ा लीजिए। फ्रेंड्स, ये हमारे बेल बॉटम ट्राउज़र की कटिंग मुकम्मल हुई। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आप हमारे लिए नोटिफिकेशन जल्द पा सकें। अल्लाह हाफिज़।